बचपन से आज तक मुझको परसेंट ऑफ दौड़ ठंडास में आए मुझसे जल्दी निकल बहुत तेज़ तो जा रही है अभी थोड़ी देर रुको यार मुझे भी बहुत तो थॉट आ रहा है गुड इवनिंग सर सर मुझे एक माइंडसेट का डाउट है सर एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है कि मैं डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहा हूँ सर जैसे कि कोई भी मैं एक थॉट होता है या फिर मैं ट्रिगर कर देता हूँ जैसे कि मैं आज ही एक कोई व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था पता नहीं कोई कॉलेज देखा कि कुछ देखा कोई ट्रिगर आ गया और फिर मैंने उस ट्रिगर से पता नहीं मेरे दिमाग के अंदर क्या सोचा और फिर उसके ऊपर से एक इमोशन आया और फिर इस इमोशन की वजह से मैं फिर अपने आप से बात करने लग गया और फिर मैं पागलों की तरह बात करने लग गया या फिर सोचने लग गया कितनी देर हुआ है सब सर पंद्रह मिनट सर और रिसेंटली थर्टी मिनट हुआ था मैं अगस्त का नोट्स रिवाइज कर रहा था फिर थर्टी मिनट हुआ था कोई बात नहीं पंद्रह मिनट थर्टी मिनट एक दिन में एक बार कभी कभार हो जाए अलग बात है दो चार घंटे जा रहे हैं तो अलग बात है पहली बात दूसरा पंद्रह मिनट अगर हो रहा है तो कभी कभार हमारा दिमाग हमसे कहता है पढ़ते पढ़ते कि यार थक गए हैं हम रेस्ट लेते नहीं है तो फिर वो इस तरीके से रेस्ट ले लेता है तुम समझो यार हम सब इंसान के बच्चे हैं हम दो घंटे पढ़ते पढ़ते थक गए तो क्या करेंगे हम कुर्सी पीछे कर लेते हैं यार तो वो पंद्रह मिनट इज नॉट अ बिग टास्क कोई बात नहीं मैंने इसीलिए देर पूछी मैं ऐसा सोल्यूशन बता सकता था तेरे को पर मैंने देर इसीलिए पूछी कि पता पड़े की कितना देर हो रहा है वो पहली बात दूसरी बात फिर भी अगर डे ड्रीमिंग रोकनी होती है तो डे ड्रीमिंग को रोकने का सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीका होता है रस्ते पे डिविएट ना होने के लिए लोग बाग टाइम लगा के जाते हैं कि इतनी देर से इतनी देर में वहाँ पहुंचना है तो डिविएट नहीं होंगे अगर मैंने सोच लिया यहाँ से दिल्ली मुझको तीन घंटे में पहुंचना है तो मैं किसी ढाबे पे किसी चाय की दुकान पे कहीं और नहीं रुकूंगा क्योंकि तीन घंटे में मुझे पहुंचना है सेम गोज विद स्टडी तुम अगर पढ़ने बैठे हो और तुम्हें पता है इतनी देर में ये काम खत्म करना है तो तुम पे टाइम ही नहीं है ना डे ड्रीमिंग का में से में नहीं होता है खाना खाते हुए तो अगर नहीं करोगे, तो या बंद हो जाएंगे ऐसे तो तू पागल हो गया ये मैं मैं छोड़ दू मेरी आधी से ज्यादा फिलोस मर जाए बचपन से आज तक मुझको सिक्सटी परसेंट ऑफ द माइंड सेट ठंडा में आए मुझसे सब जल्दी निकल बहुत ही जा रही है मैंने थोड़ी देर यार मुझे भी बहुत थॉट आ रहा है तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात दो ट्राई टू कलेक्ट द डस्ट गोल्ड इन दियर हैंड समझ में आया मैं समझाता हूँ कैसे मैंने अपने दोस्त से सीखा था उसकी सुनार की दुकान है मैंने पहले भी बताया था एक बार चांदी का काम है उसका बहुत बड़ा तो ऐसी बातचीत हो रही तो कह रहे कह रहे हो चांदी तो हमारे यहाँ की डायलॉग मारती है कह रहे हाँ झाड़ू लगाने आता है उसको डेली सौ डेढ़ ग्राम चांदी मिल जाती है सौ डेढ़ ग्राम चांदी तो मैंने बोला यार सौ ग्राम चांदी के हिसाब से मतलब यार एक किलो चांदी पचास हजार की होती है है ना हजार ग्राम तो सौ ग्राम चांदी पांच हजार रुपए की हो गई भाई पांच हजार रुपए की पचास सौ ग्राम चाँदी वो ले जाता है। महीने के डेढ़ लाख रुपए हो गए तो कह रहा कि अब मैं कूड़े में चांदी बिनूंगा मैं कूड़े में जान दूंगा तो वो चांदी का होगा जो दो किलो रोज बन रही है आ, सही बात है आई यू गेटिंग इट तो जिंदगी में तुम्हारा स्वभाव है डी कुमार की तुम डे ड्रीमिंग करते हो और तुम्हारा थॉट प्रोसेस है ये तुम्हारी गलती नहीं है फर्क समझना फिर से इस बात का कछुए का स्वभाव है कि उसके ऊपर शेल है और इसलिए वो धीरे चलता है जिस दिन कछुए ने मान लिया कि यार ये शेल तो मेरे लिए काम करनी है मैं इससे बाहर निकल जाता हूं तो साला मर लेगा